है गाइज वेकम बैक टू नन दर वीडियो आई होपिकाइन सो गाइज आज का इस वीडियो में बात करने वाला पटना यूनिवर्सिटी के बारे में uh, कुछ थोड़ा बहुत अपडेट आ रहा है और uh, थोड़ा सा समय लूंगा आप लोग का उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बता कि आप लोग को ये साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में मैंने जैसे आप लोग देख रहे हो ये माइक uh, से मैंने इंप्रूव करने की कोशिश की है तो जरूर बताना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर नहीं तो जैसे पहले करते थे वैसा करेंगे ठीक है गाइस 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 चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आ, तो सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया कि जो है वो आपका जो सेकंड फेज है एडमिशन का जैसे पटना यूनिवर्सिटी का आप लोगों को मालूम है अभी वैकेशन चल रहा था फिर उसके बाद अभी आज अट्ठाईस अक्टूबर है तो आज इलेक्शन है तो अभी क्या है कि आपका इलेक्शन के बाद जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है तो उसी के संदर्भ में ये खबर आ रही है कि आपका जो है वो उन्तीस अक्टूबर को आपका सेकेंड शेड्यूल जारी हो सकता है उसमें यह खबर ये आ रही है कि आपका जो है पटना यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि अभी जो है वो 60 परसेंट जो सीट है वो खाली है और अभी तक रिजर्व सीटों पर ही आपका जो नामांकन वगैरह का जो प्रोसीजर था वो चल रहा था डेट्स वाइज ये जो हम लोग जो कट ऑफ वगैरह देख रहे थे इतना हाई जा रहा था इतना मतलब हम लोग भी सोच रहे थे कि यार इतना हाई क्यों जा रहा है फिर सीटें कैसे फुल होंगी तो उसके बाद ये जो क्लियर किया गया है कि नहीं अभी जो है वो आपका सीट जो है वो 60 खाली है है और उसके बाद जो है, आपका कैटेगरी वाइज मतलब रिजर्व सीट सीटों पे जो है वो नामांकन होगा फिर उसके बाद हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है इंडिविजुअली जैसे कि हो गया आपका ईडब्ल्यू हो गया या सॉरी बी सी वन बी सी टू हो गया चाहे एस सी एस टी तो उसके बाद जो है वो हम लोग ये आ, उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो है वो कैटेगरी वाइज आए और थोड़ा सा जो है वो मार्क्स या जो भी कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हैं वो अपना नामांकन करवा सके और इस यहाँ पे जो है पटना यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर नहीं किया है कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो गए क्या उनको भी आ, क्या उनके मौका नहीं दिया जाएगा तो जहां तक मुझे ये लगता है कि जिनका जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और जिनका मार्क्स कम है मतलब ऐसे देखा जाता है कि सिक्सटी सेवेंटी वाले को ही लिया गया था तो ऐसा नहीं है जो भी दोस्त हैं उनको मतलब अगर सीट खाली होगा सीट खाली होट जैट मीन्स मैंने आपको बताया कि किसी डिपार्टमेंट में सीट जो है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका सीट खाली है तो आपका नाम जरूर आएगा अगर आप मार्क्स भी कम है जैसे कि बी में आपका फिफ्टी के राउंड है या इतना कुछ है तो आपका आने की पूरी उम्मीद है अगर सीट खाली अगर सीट आपका है तो बीकॉम में जैसा हमने सुनने को मिला है कि बीकॉम में जो है वो आपका सीट वगैरह फुल हो चुका है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वो सब कुछ देखना होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है क्या कि पीयू मैनेजमेंट थोड़ा थो सा कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पे जैसे कि मैं भी पहले समझ रहा था कि ये जो सीट वगैरह है और सेंट्रलाइज होने की वजह से आपका जो है सारे जो कैटेगरी वाइज आपका एक साथ आ रहे हैं लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आपका जो है वो कैटेगरी वाइज जो होगा वो आपका उन्तीस तारीख से आपका जो है वो सेकेंड राउंड का जो है जितना भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा फिर से कट ऑफ वगैरह निकलेगी फिर से आपको डेट मिलेगा और आपका नाम आएगा फिर से आपको ई मेल वगैरह आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वहाँ पे आपको आ, किया जाएगा आ, देखा जाएगा कि कॉलेज में बुलाया जाता है या आपको व्हीलर सीनेट हाउस में बुलाया जाता है तो वो सब जैसे भी जो चीजें होगी वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा लेकिन यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही थी कि अभी जैसे सीट खाली है तो आपको रिजर्व कैटेगरी का पे अब रिजर्व कैटेगरी का जो है वो अब एडमिशन प्रोसीजर होगा तो जो भी दोस्त है काफी परेशान है कि उनका नंबर है ये होगा कि नहीं होगा और काफी दुविधा में तो यहाँ पे एक अच्छी खबर ये मान सकते मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में हमें ऑफ जो है वो कम देखने को मिलेगा वाइज देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं कि एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा से जल्द से जल्द हो ताकि और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे वोकेशनल का हो गया आपका बीबीए वगैरह हो गया एम इन म्यूजिक हो गया तो बहुत सारे सब्जेक्ट अभी तो ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम बीएफए वगैरह और अभी तो बी बी एस डब्ल्यू वगैरह ये सब का तो अभी चालू ही हुआ है अभी फर्स्ट कट ऑफ ही निकला है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक दो राउंड में एक दो राउंड में जो है वो आपका एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए आ, मैं बीए ए बी एस सी बात कर रहा हूँ ताकि ये जो है वो जल्द से जल्द हो जाए आपका जैसे हम आपको अनाउंस किया है पटना यूनिवर्सिटी अनाउंस किया कि 5 नवंबर से क्लासेस वगैरह आपको चालू हो जाएगी अब वो होगा कि नहीं होगा वो तो आ, समय ही बताएगा आपका अभी भी काफी समय है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपका पांच तारीख से पहले जो जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और या गई और हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में अभी बहुत सारे सब्जेक्ट का तो रिजल्ट वगैरह वाइवा वगैरह ये सब का तो डेट कुछ अनाउंस किया ही नहीं है पीयू ने तो ये सब जो है वो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आए ताकि और भी जो अदर स्टूडेंट है और भी अदर सब वाले सब्जेक्ट वाले हैं वो हो जाए और पटना लॉ कॉलेज के सदन में थोड़ी बहुत बातें करूंगा जैसे कि आप लोग मालूम है कि पटना लॉ कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल मिल चुका है तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका आने वाले समय में आई थिंक नेक्स्ट वीक या मतलब जैसे हम लोग को बताया गया कि uh, दशहरा के बाद जो है वो आपका डेट है जो अनाउंस होगा तो uh, आने वाले समय में हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जल्द से जल्द एंट्रेंस डेट आए uh, काफी सारे दोस्त बोल रहे हैं कि uh, कैसे तैयारी करें क्या इतने कम समय में uh, कुछ थोड़ा सा हो तो uh, जरूर बताएं तो अगर आपको uh, जानना है अगर इसके बारे में तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए लेकिन थोड़ा बहुत हो सकेगा तो मैं भी आपको कर दूंगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि एंड uh, में एकदम मतलब लास्ट में जो था मुझे तैयारी करने का मौका मिला तो ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाया लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा तो आप लोग जो पटना लॉ कॉलेज वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं जो इंटरेन्स दे देने वाले हैं वो जरूर बताएंगे तो थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कैसे क्या चीजें हैं तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाएगी तो गाइजी यही था कुछ जो भी अपडेट आता था पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा बहुत अपडेट आता तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं आपको दिखेगा और आशा करूंगा वो आपको अच्छा लगे इसलिए दो दिन से मैं वीडियोस वगैरह नहीं ला ला पा रहा था तो गाइज़ यहीं तक रखते हैं आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो इस जो है थोड़ा बहुत अपडेट के बारे में नहीं जानते हैं तब तक लगे गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा करूंगा ठीक है गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो बाय बाय